हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। आप सब लोग लगातार ये सवाल कर रहे थे कि हम जब रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो किस तरह से हमें फ्रेम बनाना चाहिए, क्योंकि कैमरामैन को नॉलेज होती है लेकिन अगर आपको भी अपनी स्टोरी सुंदर बनानी है, उसे सजाना है, तो आपको फ्रेम की नॉलेज होगी तो आप अपने कैमरामैन से बता सकोगे कि आप एक्चुअली में दिखना कैसा चाहते हो टीवी पर। तो आपको मैं बता दूं कि कैमरा के कुल 4 शॉट्स होते हैं। देखिए, हम जब एंकरिंग कर रहे होते हैं तो हम या फिर क्रोमा पे खड़े होकर करते हैं या फिर हम रियल सेट से या फिर न्यूज़ रूम से। तो न्यूज़ रूम के शॉट्स वो खुद बनाता है, कई बार क्लोजअप लेता है, एक्सट्रीम क्लोजअप लेता है। कैमरामैन को नॉलेज होती है लाइट के अकॉर्डिंग। अब जब हम रिपोर्टिंग पर जाते हैं तो बिल्कुल अलग होता है, उसी पर आज बात करेंगे। लेकिन स्टूडियो में देखिए, क्रोमा पर एक होता है, क्रोमा पर कभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज शॉट नहीं होता, हमेशा मिड शॉट होता है और या फिर आपके लेग्स घुटने होते हैं ना, घुटनों तक का शॉट आता है। कई बार पूरे फुल लॉन्ग शॉट भी ले लेते हैं जब क्रोमा बहुत वाइड होता है, लेकिन अगर क्रोमा नॉर्मल है, टेक्स्ट लिखा हुआ है बगल में, तो फिर घुटनों तक का ही शॉट मतलब एंकर उसमें दिखता है। तो ये तो एडिटर की प्रॉब्लम हो गई, आप तो पूरे खड़े को रिकॉर्ड करोगे लेकिन एडिटर और कैमरामैन देख लेंगे कितना आपको काटना है उस शॉट क्रोमा के अकॉर्डिंग। लेकिन जब रिपोर्टिंग पर जाते हो तो रिपोर्टिंग में आपके हाथ में होता है कि आप अपने कैमरामैन से कह सकते हो कि इस तरह से शॉट करो, इस तरह से लो, इस तरह से यहाँ पर ये एंगल रखना है, यहाँ पर ये वाला शॉट रखना है। तो अगर आपको भी नॉलेज होगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो 4 शॉट्स होते हैं जिसमें आप शूट कर सकते हो, आप जैसे आप खड़े हो। अब आपको एक होता है क्लोजअप शॉट, क्लोजअप एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। एक्सट्रीम क्लोजअप यानी कि जैसे सपोज आप फील्ड पर गए हो कुम्हारों पर कोई स्टोरी करने, अब कुम्हार जो है वो बना रहा है, जो चक होता है उसका, चक बोलते हैं आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, उस पर बना रहा है, दिए बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। मैंने उसकी स्टोरी की थी तो मुझे याद है मैंने किया था। तो उसमें जैसे आपको एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट ये होता है कि या तो उसका हाथ, जैसे वो हाथ से बना रहा है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल पास से, बिल्कुल क्लीन, सिर्फ स्क्रीन पर बड़ी सी टीवी में सिर्फ उसका हाथ और वो चक दिखता हुआ, ऐसे दिया दिखता हुआ है, तो उसे हम कहेंगे एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। या फिर अगर किसान को हम कवर कर रहे हैं और वो काट रहा है, धान काट रहा है, कुछ भी काट रहा है, किसानों पर कोई स्टोरी है, तो किसान का चेहरा मतलब बिल्कुल साफ, जो भी चीज़ हम फोकस कर रहे हैं, जो भी हमारा पॉइंट, जो सब्जेक्ट है, वो बिल्कुल प्रॉपर क्लोजअप शॉट। जैसे अगर मुझे अपना क्लोजअप शॉट लेना है तो सिर्फ मेरा फेस, अगर मेरी मुझे अपने आँखों का है तो आँखों के अकॉर्डिंग फोकस होनी चाहिए, वो कैमरामैन समझ जाता है। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सिनेमेटिक शॉट्स ये दिखते हैं और जिसकी वजह से आपकी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगने लगती है। तो हमेशा इन शॉट्स का इस्तेमाल आप लोग अपनी स्टोरी में कीजिएगा। और एक्सट्रीम क्लोजअप के बाद आता है क्लोज शॉट, यानी कि क्लोज शॉट मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, बहुत नॉर्मल उसमें बता रही हूँ, वो इतना होता है जितनी मैं फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिख रही हूँ, लाइक इतना जैसे तक आप किसी के भी कोई भी है पासपोर्ट साइज फोटो आप समझ सकते हो, जितना उसमें आता है उसे हम कहते हैं क्लोजअप शॉट। ये हुआ क्लोजअप, क्योंकि उसमें हमारा फेस क्लीन मतलब सही से दिखता है, बिल्कुल क्लियर दिखता है और बाकी चीज़ें भी क्लियर होती है, तो उसे हम कहते हैं क्लोज शॉट। उसके बाद आता है मिड शॉट। मिड शॉट यानी कि कई बार आपने देखा होगा ये पेट, जहाँ से आप बेल्ट बांधते हो कमर तक, वहाँ तक का शॉट अगर आप ले रहे हो तो उसे कहते हैं मिड शॉट। मिड शॉट यानी कि आधे आप दिख रहे हो स्क्रीन पर। आप जैसे कई बार होता है नीचे का, अगर आपको फ्लोर नहीं अच्छा लग रहा है, आप नहीं कवर करना चाहते, तो अपने कैमरामैन से बोल दो कि यहाँ पर इतना ही शॉट आपको लेना है और इतने में ही दिखना है, क्योंकि सब लोग अगर खड़े हैं आप उस अकॉर्डिंग आपको शूट करना है। अब उसके बाद आता है लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट में देखिए ये होता है कि आप पूरे फुल कवर हो। जैसे मुझे याद है मैंने वैलेंटाइंस पे एक स्टोरी की थी, तो मैंने गिफ्ट शॉप्स पे जाकर कवर किया था, तो बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स मैंने उसमें लगवाए थे। मैं चल रही थी, मेरे हाथ में कुछ गिफ्ट्स थे, थोड़ा क्रिएटिव करते हैं चीज़ों को, स्क्रीन पे अच्छा दिखता है। और आईडी का आपने चित्रा त्रिपाठी जी को देखा होगा, वो बहुत अच्छे मतलब शॉर्ट्स उनके स्टोरी में हमेशा होते हैं, उनके फ़ोटोज़ भी आप देखो इंस्टाग्राम पर, तो वो उसी अकॉर्डिंग मतलब शूट करवाती हैं, तो समझ में आ जाता है कि काफ़ी अच्छा कैमरा यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से स्टोरी को आप अच्छा बना सकते हो इन शॉट्स का इस्तेमाल करके, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर कौन सा शॉट लेना है। लॉन्ग शॉट बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग शॉट भी और एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, ये दोनों शॉट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लॉन्ग शॉट में अब जैसे लॉन्ग शॉट है, अब मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे याद है मैं एक बार चुनाव के दरमियान शूट करने गई, तो मेरे साथ में मुझे जिनके साथ
वन टू वन करना था, चलते फिरते बातचीत करनी थी, वो काफ़ी लंबे लोग थे। अब मैं छोटी, तो ये मेरे कैमरा मैन को अकल होनी चाहिए, हालांकि कैमरा मैन का ही काम है, आप कितना भी बोलोगे उसे नहीं आएगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो कैमरा मैन को आना चाहिए कि कौन सा एंगल उसे शूट करना है। अब अगर वो ऊपर से शूट कर, हल्का सा भी कैमरा उसने ऊपर से ऐसे टिल्ट कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे पकड़ते हैं ना वो लोग कैमरा, अब उसने टिल्ट कर दिया तो फिर मैं और ज़्यादा छोटी लगूंगी और वो और ज़्यादा बड़े लगेंगे, क्योंकि ऊपर से शूट किया गया है। तो मतलब हाई एंगल शूट नहीं करना है। अगर मैं, मेरी हाइट छोटी है तो मैं हमेशा लो एंगल शूट करवाती हूँ। लाइक अगर उसने नीचे से ऐसे कैमरा शूट किया ना तो मैं लंबी दिखूंगी। तो ये चीज़ें, ये सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो होना चाहिए कैमरामैन को। अगर ये है तो आपकी स्टोरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपको भी ध्यान रखना है, जो लोग नए कैमरामैन हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको ध्यान रखना है कि ये सारे शॉट्स उन्हें कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, किस तरह से कैमरा करना है, फ्रेमिंग। इसके पहले मैंने बताया था कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ पत्रकारों के लिए ही नहीं, अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो आपको मदद करेंगी, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल, बहुत सारे लोग चला रहे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं खुद देखती हूँ, मैंने देखा है जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, किसी भी तरह का चैनल चला रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो वो लोग भी जब शूट करते हैं तो अगर इन शॉट्स का इस्तेमाल करेंगे तो अपनी स्टोरी को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे अपने दर्शकों के सामने। तो आप लोग भी इन शॉट्स का और इन एंगल का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, लो एंगल, हाई एंगल, ये दो एंगल होते हैं, और एंगल आपको डिसाइड करना है किस तरह से ऑब्जेक्ट को कितना लंबा कितना छोटा दिखाना है। जैसे कई बार होता है, आपने देखा होगा जब बाइक का शूट होता है तो बाइक खड़ी कर दी जाती है और हम कैमरा कहाँ से करना शुरू करते हैं, जहाँ पे बाइक का टायर होता है नीचे से, यानी हमने अगर नीचे से ऐसे कवर करना शुरू किया तब ऊपर आए तो बाइक बड़ी दिखेगी। तो ये बहुत अच्छा, बहुत क्रिएटिव, बहुत सिनेमैटिक दिखता है, टीवी पर बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। तो अगर आप लोग भी अपनी स्टोरी को शानदार बनाना चाहते हैं तो इन सारे शॉट्स का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉसिप विद गरिमा आप देखते रहिए। आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से आपको मेरा अकाउंट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।